33% GST இருக்கு இல்லையா சார் தட் இஸ் டிஃபரண்ட் சார் சார் நான் சொல்றேன் ஹவ் கேன் யூ ஆர் டேக்கிங் 33% GST சார் கவர்மெண்ட் யூ ஹவ் நாட் ஆஸ்க் 28% இஸ் தி மேக்ஸिमम GST சார் 28% இஸ் தி மேக்ஸिमम GST யூ டிஸ்கஸ் அவுட் சைடு சார் ஹவ் சார் 28% இஸ் தி மேக்ஸिमम GST ஐ கேன் ஷோ யூ So let me show you. 25%, which is 25 rupees, 25 rupees, which is 50 rupees. On one for 50 rupees, 50 rupees na evlo rupees you can cut. Na thappa irukatum. Am I wrong? 33% they are charging GST. Shiva, you turn on the camera properly, let me see. No, get out. You answer me for this. Why are you 33% नमस्कार द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करने वाले हैं पीवीआर में होने वाले बहुत बड़े घोटाले की पीवीआर ही नहीं बल्कि जो तमिलनाडु की जो सरकार है उसकी और यहाँ के जो सिनेमा हाउसेस हैं इन दोनों की मिलीभगत से आपको कुछ ऐसी घटना बताने वाले हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे एक साल पहले यानी जीएसटी के आने से पहले जो यहाँ का सिनेमा का टिकट था वो था सिर्फ 120 रुपये यानी उस 120 रुपये में जो बेसिक फेयर था जो बेस फेयर था वो था 85 रुपये 85 रुपीज़ उसके ऊपर स्टेट टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स सेल्स टैक्स ये तमाम टैक्सेस मिला के कुछ 37-38% तक ये टैक्स लगता था जीएसटी के आने के बाद इस टैक्स को 28% कर दिया गया जिसका मतलब है 120 रुपए की जो टिकट थी उसको घटकर 106 रुपए हो जानी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ 120 रुपए की जो टिकट थी उसको इन लोगों ने बेस फेयर रखा उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगाया जो कि सीधे सीधे सिनेमा की टिकट थी चेन्नई में वो पहुंच गई 154 रुपए पे यहाँ पर भी कहानी नहीं रुकी यहाँ पर अब आता है मोड एक मज़ेदार मोड जीएसटी का मतलब ये होता है वन नेशन एंड वन टैक्स यही मोदी साहब ने हमें कहा था लेकिन जो यहाँ की जो सरकार है जो कि चल रही है एडप्पाडी पलनीस्वामी जी के द्वारा और उनके जो साथी हैं ओ पनीर सेल्वम जी इन दोनों की मिलीभगत के साथ ऐसा हुआ इनकी मांग ये थी कि एक जो लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स है लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स उसको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो स्टेट के लिए आता है तो साहब आप हमें ये समझाइए जो एसजीएसटी के नाम पे आप स्टेट के लिए लेते हैं उसका क्या है लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पर ये तमिल सिनेमा के लिए 10% लेते हैं और जो और भाषा की जो सिनेमा होते हैं यानी कि अंग्रेजी हिंदी या फिर कोई और भाषा उसके ऊपर 20% तक लेते रहे यहाँ तक बात समझ में आई आज हमारे साथ कुछ एक ऐसी घटना हुई ये जो सिनेमा टिकट है ये है पीवीआर सिनेमा चेन्नई अम्पा मॉल की ये है जुरासिक पार्क सिनेमा की टिकट जो कि एक अंग्रेजी सिनेमा है इसका बेस फेयर अगर आप देखें तो इसमें लिखा है 150 रुपये 150 रुपये के बेस फेयर पे इन लोगों ने हमसे चार्ज करे 25 रुपये 17 पैसे जो है एसजीएसटी के नाम पर और 25 रुपये 17 पैसे इन्होंने चार्ज करे जीएसटी के नाम पर इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये होता है कुल मिला के 50 रुपये और 34 पैसे
अगर आप हकीकत में इसको देखें तो 150 रुपए के ऊपर अगर आप GST लगाएं 28%, ये बनता है 42 रुपए, राइट। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो टिकट है वो हमें पढ़नी चाहिए थी 192 रुपए की, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे 8 रुपए तो इन लोगों ने ज़्यादा लगाए GST के नाम पर, यानी कि 33% जो है PVR सिनेमा जो कि चेन्नई में है वो हमसे चार्ज करता है। इसके अलावा 20% हमें लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे देना पड़ता है, यानी कि 30 रुपए। यानी कुल मिला के जो हम टैक्स के नाम पे कर रहे हैं वो है 93% टैक्स के नाम पे कर रहे हैं। जब हमने इस बात को PVR के मैनेजर से जाके बात करी, उनसे समझना चाहा आखिर ये माजरा क्या है, जब हमने उनसे ये पूछा आप 33% किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा जो आपका जो दूसरा टैक्स है यानी जो LBET लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स, उसके ऊपर भी एक GST लग रहा है। आप मुझे ये समझाइए, जब मोदी साहब ने ये कहा था GST लाने से पहले वन नेशन एंड वन टैक्स, यहाँ पे तो हमारे ऊपर GST ही 2 लग रहा है, उसके बाद एक लोकल बॉडी टैक्स भी लग रहा है, यानी कुल मिला के हम 3 टैक्सेस पे कर रहे हैं, यानी 2 GST टैक्स पे कर रहे हैं और 1 लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक से हमने कुछ बातचीत करने की कोशिश करी थी उसी मॉल में, जब हमने उनसे जब ये चीज जाननी चाहिए पूछनी चाहिए तब उन तमाम लोगों का ये कहना था हाँ साहब जहाँ पे हम 120 रुपए पे करते थे वहां पे अब ये दुगना तिगना हो चुका है। मजाक की बात यहीं तक थमी नहीं, यहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर एक निचला तबका है जो कि 10 रुपए की टिकट लिया करता था, उसको आज 65 रुपए का टिकट खरीदना पड़ता है। एक गरीब आदमी, एक रिक्शा चालक, एक घर में काम करने वाला व्यक्ति, जहां पे वो 10 रुपए की टिकट खरीदता था आज उसको 65 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ रही है। यानी ये इजाफा छोटा मोटा इजाफा नहीं, ये सीधा इजाफा 550% का है। जब हम ये सब तमाम चीज़ें कर रहे थे तो PVR के तमाम लोग बाहर निकल के आ गए, जब उनकी चोरी पकड़ी गई, जब उनकी चोरी सामने आ गई कि वो सीधा सीधा 5% ज़्यादा GST टैक्स पे चार्ज कर रहे हैं आम पब्लिक से, तो वो तमाम लोग इकट्ठा हो गए, हमसे धक्का मुक्की करी, हमको वहाँ से जाने को कहा। जब हमने उनसे ये जवाब मांगना चाहा कि आप ये समझाइए कि 33% आप किस तरह से ले रहे हैं, तो उनका ये जवाब था कि आप को हम नहीं जवाब देंगे, आप सीधे सरकार से जाके पूछे, आप सीधे GST के ऑफिस में जाके पूछे कि हम 33% क्यों ले रहे हैं। अब आपको और हमें ये समझना चाहिए क्या अधिकतम GST 28% ही है या फिर 33% बढ़ा दिया जा चुका है। आखिर मध्य की सरकार यानी केंद्र की जो सरकार है वो इन तमाम चीज़ों को देख के चुप क्यों बैठी है। आखिर तमिलनाडु की जो सरकार है ADMK की, जिसको BJP बैकअप करती है, उसको इतनी इजाज़त किस तरह से दे दी गई है, इतनी आज़ादी किस तरह से दे दी गई है कि मनमाने तौर पर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आप पर एक और नया टैक्स लगा देता है और उस टैक्स के ऊपर भी आपको GST पे करना पड़ता है। आगे के दृश्य देखिए आप, जो आपको यकीनन एक सवाल के घेरे पे लाके खड़ा कर देंगे। तमाम जो मॉल के जो कर्मचारी थे वो सब लोग हमारे पास आए, हमारे कैमरा को तोड़ने की कोशिश करी, हमको धक्का देने की कोशिश करी, उनको केब तक पता था कि हम मीडिया के लोग हैं और हमारे ऊपर वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं, तब भी उनकी हिम्मत इतनी थी कि उन लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की करी, हमारे कैमरे पे के आगे हाथ लगा के वीडियो को ना रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी के बाद हमें वहाँ से हटना पड़ा, हमें वहाँ से लौटना पड़ा। लेकिन हमारी ये आवाज़ बिल्कुल नहीं थमने वाली है, इस आवाज़ को हम बहुत आगे ले जाएंगे। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं, जो 120 रुपए की टिकट GST के बाद जिसको 106 रुपए होना चाहिए था आज वो 230 रुपए जो हो चुका है, अगर आप ये समझते हैं कि हम सही कदम उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज़ को और बुलंद करके आगे लेके जा रहे हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस तरह के जो चोर लुटेरी कंपनीज हैं, इस तरह के जो चोर लुटेरे जो सिनेमा घर हैं, वो दोबारा इस तरह की हिम्मत करने से पहले 10 बारी सोचें। आल्सो LBET टैक्स आल्सो तमिलनाडु पे दैट 11-12 रुपीज़ ऑलमोस्ट, यू शुड पे दैट। हाँ पे दैट सर। देखिए ये जो जनाब हैं हमारे साथ, ये काला मूवी जा रहे हैं, इनकी जो टिकट है ये इनको मिली है 207 रुपये और 26 पैसे की। इसमें अगर आप देखें इनका जो बेस फेयर है वो है 150 रुपये, उसके ऊपर CGST यानी सेंट्रल को जो जाता है GST वो है 22 रुपये
67 पैसे और साथ में SGST है वो भी 22 रुपये 67 पैसे। इसके ऊपर एक नया टैक्स है यहाँ पर जिसको कहते हैं लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स, वो 11 रुपये और 92 पैसे ये लोग लेते हैं। यहाँ पर जो LBET टैक्स जो कि लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स है उसके ऊपर भी ये लोग GST लगा रहे हैं, यानी टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, यानी यहाँ पे तीन तरह के टैक्स लग रहे हैं। आगे और लोगों से मिलेंगे, उनसे समझेंगे क्या उनको इसकी जानकारी है, अगर वो जानते हैं तो वो आवाज़ अपनी क्यों नहीं उठा रहे हैं। सो देर इज़ वन नेशन वन टैक्स विच इज़ कॉल्ड GST। तो आप ये अलग से एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों पे कर रहे हो, ये लोग आपको फोर्स क्यों कर रहे हो टैक्स पे करने का? इनकी मर्जी है वो, तो आप कुछ कह नहीं पाते। देखिए इनका भी ये कहना है कि 120 रुपये जहाँ ये देते थे आज हर एक सिनेमा इनको 210 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का पड़ रहा है, जहाँ पर इनको 106 रुपये देने थे आज ये कम से कम जो है 210 रुपये दे रहे हैं। अंग्रेजी सिनेमा अगर देखना चाहें तो 230 रुपये, यानी वन नेशन वन टैक्स अगर आप कहते हैं जिसको GST जो कि सबसे ज़्यादा 28% होता है, यहाँ पर आप 45 से लेके 55% तक, यानी ये डिपेंड करता है कि आप तमिल फिल्म देख रहे हैं या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, राइट। जो तमिल यहाँ की जो लोकल सिनेमा है उस पर 10% एंटरटेनमेंट टैक्स है, और बाहरी जो लैंग्वेजेस हैं यानी कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, मलयालम, तेलुगू, कन्नड़, कोई भी और सिनेमा अगर आप देखते हैं तो उसमें 20% यहाँ का जो लोकल बॉडी है उसका टैक्स पे करना पड़ रहा है। बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको वो तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वो तमाम खबरों के मैसेजेस मिलते रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।